नमस्कार, दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं। रिपोर्टर। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर घमासान जारी है। बीते कल बीजेपी ने सलमान खुर्शीद पर हमला साधा और आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सलमान खुर्शीद का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू की विचारधारा अलग अलग है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा नफरत वाली है, जिसे बीजेपी और आरएसएस ने जन्म दिया है। इस पर बीजेपी के नेता समित पात्रा ने सलमान खुर्शीद पर और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से हिंदुओं पर प्रहार हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से वोटों की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की सुनवाई को रोकने का काम किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के डिजिटल जन जागरण अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इशारों इशारों में पार्टी नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर चल रहे विवाद को लेकर अपनी बात रखी। राहुल ने पूछा कि आखिर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर क्या है। गांधी ने पूछा क्या वो एक ही बातें हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो एक ही बात है तो हम उनके लिए एक जैसा नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ये जाहिर तौर पर दो अलग अलग चीजें हैं। क्या हिंदू धर्म किसी सिख या मुस्लिम को मारना है, लेकिन हिंदुत्व का यही काम है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू और हिंदुत्व पर प्रहार करना कांग्रेस का चरित्र है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसकी ओर से भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बयान को हिंदुओं पर प्रहार बताया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल का बयान 130 करोड़ जनता के खिलाफ है और उन्हीं के कहने पर सलमान खुर्शीद ने बयान दिया था। पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार के इशारे पर ही कांग्रेस के नेता हिंदुओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि देश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बवाल जारी था, तो इसी बीच कांग्रेस के एक और नेता राशिद अल्वी के बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी के नेता अमित मालवी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें राशिद अल्वी जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षस से कर रहे हैं। तो वही राशिद ने सफाई देते हुए कहा है कि उनका आधा वीडियो जारी हुआ है, बल्कि उन्होंने तो राम राज्य की बात कही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बवाल जारी था कि इस बीच कांग्रेस के एक और नेता राशिद अल्वी के बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अल्वी जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षस से करते नजर आ रहे हैं। हालांकि राशिद अल्वी ने सफाई दी और कहा कि उनका आधा वीडियो जारी किया गया है, बल्कि उन्होंने राम राज्य की बात कही थी। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली कंगना रनौत फिर से चर्चा में है। कंगना ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे डाला जिसको लेकर उनकी किरकिरी हो रही है। कंगना ने कहा कि असल में देश को आजादी 2014 के बाद मिली थी। 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख में दी गई थी। कंगना के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। नवाब मलिक ने साफ तौर पर कंगना के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है, तो साथ ही साथ दिल्ली समेत कई राज्यों में कंगना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लेकिन अब तक कंगना के खिलाफ कोई एक्शन सरकारी तौर पर नहीं लिया गया और सब कंगना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन कंगना अब भी अपने बयान पर कायम है और उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने जो कोई भी बयान जारी किया है वो एकदम सही है और वो अपने बयान पर अब भी कायम है। अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आपत्ति जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से अभिनेत्री को गिरफ्तार करने की मांग की। हाल ही में कंगना रनौत ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत को असल आजादी साल 2014 में मिली। साथ ही उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। एक्ट्रेस ने इस बयान पर कई हस्तियों ने विरोध जताया था, जिसके बाद कंगना के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन यूपी पर आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने एक तरफ जहां विधायकों के कामकाज का फीडबैक लिया, वहीं सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और बूथ प्रमुखों से भी मुलाकात की।
मिशन यूपी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने बीजेपी के बूथ प्रमुखों और सोशल मीडिया वॉलंटियर से मुलाकात के साथ विधायकों के कामकाज पर फीडबैक भी लिया। वहीं शाहजहांपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने आशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि प्रदेश सरकार आशा वर्करों के काम की सराहना के बजाय लाठीचार्ज कर रही है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ महीनों में यूपी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण और श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 से 19 नवंबर तक शुरू होने वाले कपाल मोचन मेले की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए तमाम पुख्ता प्रबंध किए जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी आदेश दिया है कि इस मेले में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी से आदि बद्री तक बस सेवा शुरू करने के भी आदेश दिए हैं। काबिले गौर है कि 15 से 19 नवंबर तक कपाल मोचन में मेला शुरू होगा, जिसमें 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। यमुनानगर जिला प्रशासन की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके चलते सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का दौर जारी है। घाटी में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कुलगाम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक घाटी में और भी आतंकियों के छिपे होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सेना लगातार अलर्ट मोड पर है। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दरअसल यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस और आरपीएफ द्वारा कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और लगातार जो भी ट्रेनें आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर के DRM को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। उस पत्र में कहा गया है इसके साथ साथ जो कई धार्मिक स्थल हैं उनको भी 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में उड़ाया जा सकता है, जिसके बाद से जो है लगातार जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यमुनानगर GRP पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जो धमकी भरा पत्र था उसको लेकर आला अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे और लगातार जो है 24 घंटे GRP पुलिस और आरपीएफ पुलिस द्वारा सभी ट्रेनों की चेकिंग की जा रही है, यात्रियों की भी, सामान की भी चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और इस धमकी भरे पत्र मिलने के बाद से पुलिस पूरे अलर्ट पर है और सभी यात्रियों को यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो पूरे तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि 24 घंटे GRP और आरपीएफ पुलिस जो है लगातार चेकिंग भी कर रही है। सोनीपत के हलालपुर दोहरे हत्याकांड को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को कल देर रात गिरफ्तार किया था और इसमें अमृत जो है और उसकी बहन जो सुजाता है उसको आज कोर्ट के सामने पेश किया है और कोर्ट में जो है अमित को 3 दिन के रिमांड पर रखा गया है, तो वहीं सुजाता को 1 दिन के रिमांड पर रखा गया है और पुलिस जो है गहनता से अब पूछताछ करेगी आखिर पूरे मसले के पीछे, पूरे हत्याकांड के पीछे किस प्रकार से अंजाम दिया था, किन कारणों के चलते अंजाम दिया था। हालांकि पूरे मसले को लेकर जो मुख्य आरोपी है 1 लाख का इनाम जिन पर रखा गया था उनको दिल्ली से भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है आखिर कारण क्या था जिसके कारण ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। साइबर सिटी में लगातार खतरनाक होते प्रदूषण ने एक बार फिर तमाम आंकड़ों को ध्वस्त करते हुए 494 के एक खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं DLF
के इलाके में मौजूद हूं और कहीं ना कहीं जो ये प्रदूषक मापक यंत्र है ये अपने आप बताने में जुटा है, ये बयां कर रहा है कि साइबर सिटी में मौजूदा हालात किस कदर खतरनाक हो चले हैं। पीएम 2.5 की बात करूं तो 353 के पार हो चला है, जबकि पीएम 10 यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 469 के पार जा पहुंचा है। और इस बोर्ड के ऊपर लगातार आपको सावधान किया जा रहा है कि किस तरह से आप घरों से बाहर बेहद जरूरी काम होने के चलते निकले, मास्क को लगाएं, क्योंकि ये जहरीला जो स्मोग है, प्रदूषण है, कहीं ना कहीं ये आपको अपनी चपेट में ले सकता है, आपको बीमार कर सकता है। और ये जो कंडीशन है दिवाली के बाद से इस तरह की कंडीशन साइबर सिटी में दर्ज की जा रही थी। हालांकि जिला प्रशासन जो तमाम दावे कर रहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए या प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम तरह के उपायों पर काम किया जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर AQI लेवल 700 पार कर चुका है। प्रदूषण का मुख्य कारण दूसरे राज्यों में जल रही पराली है। प्रदूषण के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। अब सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि प्रदूषण से बचने के लिए भी लोगों को मास्क लगाना बहुत जरूरी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में AQI लेवल 500 के पार पहुंच चुका है, वहीं कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 को पार पहुंच चुका है। दिल्ली के कुतुब मीनार, लोटस टेंपल, अक्षरधाम मंदिर के पास की विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। बता दें कि प्रदूषण का मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली है। प्रदूषण के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, घुटन, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। आपको बता दें कि जब AQI 0 से 100 होता है तो सुरक्षित होता है, 100 से 200 के बीच में होने पर मध्यम और 200 से 300 होने पर खराब हो जाता है, 300 से 400 होने पर बेहद खराब की श्रेणी में AQI को दर्ज किया जाता है। दिल्ली के साथ साथ NCR के कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया है, साथ में रोहतक की आबो हवा भी खराब हो चुकी है। लगातार रोहतक में प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ AQ 483 तक पहुंच गया है। हालांकि लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन और सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में जब भी प्रदूषण बढ़ता है तब किसानों पर ही आरोप लगाया जाता है कि किसान पराली जलाते हैं जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन लोगों का कहना है कि अब किसान पराली नहीं जलाते क्योंकि किसान पराली को प्रयोग करने लगे हैं और पराली एक किसान का व्यापार बन गया है, इसीलिए बढ़ते विकलों की संख्या और पटाखों की प्रदूषण से ये प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा और इन चीजों पर रोक लगानी पड़ेगी। देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 12,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटों में 501 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,00,000 के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें सबसे ज्यादा केसेस केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में है। इसी बीच ये बेहद जरूरी है कि हम कोरोना नियमों का पालन बहुत सख्ती के साथ करें। देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना के लगभग 12,516 केस नए सामने आए। आंकड़ों की बात करें तो देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,14,186 हो गई। एक चिंता की बात यह भी है कि वैक्सीनेशन के बावजूद लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पहले केरल में बढ़ रहे मामलों से चिंता बढ़ी हुई थी, अब केरल के बाद कोरोना के मामले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी अपना कहर बरपा रहे हैं। इस बीच ये बेहद जरूरी है कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन सख्ती से किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर अपनाया जाए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को RBI की दो योजनाओं की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की। ये योजना कस्टमर सेंट्रिक पहल के तहत शुरू की गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम के आने से निवेशकों के एक बड़े वर्ग को निवेश करने का एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है और इससे छोटे निवेशकों को ज़्यादा लाभ होगा।
एक देश के बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करने का सीधा मौका भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की दो ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिनका आम आदमी को काफी फायदा होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है उससे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। अब लोगों को सुरक्षित निवेश का एक और विकल्प मिल गया है। देश के बहुत बड़े वर्ग को गवर्नेंस सिक्योरिटीज में सीधा निवेश करने में आसानी होगी। कैथल शुगर मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि शाहबाद शुगर मिल में एथेनॉल का प्लांट लगाया जा चुका है और प्रदेश के सभी शुगर मिलों में एथेनॉल के प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश भर के शुगर मिलों को घाटे से बचाने के लिए एथेनॉल, गुड़, शक्कर और बिजली के उत्पादन जैसा कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों का भुगतान समय पर हो सके इसलिए इस तरह की एक्टिविटी प्रदेश के हर शुगर मिल के अंदर शुरू की जाएगी। चरखी दादरी में पिछले एक माह से खाद को लेकर मारामारी जारी है। सरसों की बिजाई के टाइम भी खाद को लेकर दादरी में लंबी लंबी लाइनों में किसान खाद लेने पहुंच रहे थे और आज अल सुबह किसान भारी संख्या में चरखी दादरी खाद लेने के लिए पहुंचे लेकिन खाद नहीं मिली। इससे नाराज किसानों ने चरखी दादरी के रोहतक रोड पर जाम लगा दिया। प्रशासनिक अमला जब किसानों के बीच पहुंचा और किसानों से बातचीत की गई, इस दौरान SDM डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सभी को खाद मिलेगा, एक दो दिन में खाद की समस्या को ख़त्म कर लिया जाएगा और खाद मंगवा लिया जाए। आपको बता दें कि पिछले एक माह से खाद को लेकर किसान परेशान हैं और पहले सरसों की बिजाई का टाइम था तो भी खाद को लेकर काफ़ी समस्याएं बनी हुई थी और अब गेहूं की बिजाई का समय निकला जा रहा है। इससे किसान नाराज हैं और खाद नहीं मिलने के कारण आज उन्होंने जाम लगा प्रदर्शन किया, सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोंडा क्षेत्र में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले करीब एक माह में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने करीब आधा दर्जन छापेमारी कर विभिन्न प्रस्थानों पे जो कार्रवाई की है उसको देखकर ये लगता है कि भी कहीं ना कहीं जो सरकार का उड़न दस्ता है वो अवैध रूप से जो चल रहे कार्य है उनको लगाम लगाने में पूरी तरह मुस्तैद है। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अलीपुरा रोड पर स्थित एक टेक्सटाइल मिल पर छापा मारा, जहां पर जो टेक्सटाइल मिल है उसमें से जो केमिकल युक्त पानी है वो ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से और कैंटर के माध्यम से आसपास की सड़कों पर और गहरे गड्ढों में छोड़ा जाता था, जिससे न सिर्फ पोल्यूशन जो वातावरण है वो दूषित होता है, कहीं ना कहीं जो आसपास के खेत हैं उनकी भी जो फसलें हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। अधिकारियों की माने जिस प्रकार से ये जो फैक्ट्री मालिक है ये कार्रवाई करते हैं ये बिल्कुल एक अनैतिक तरीके से कार्रवाई करते हैं। इनके ऊपर कहीं ना कहीं पोल्यूशन विभाग को लगाम लगाने की ज़रूरत है, लेकिन विडंबना ये है कि भी पिछले काफ़ी समय से इस प्रकार की जो कार्रवाई है, जो अलीपुरा के अलावा जो बरसत क्षेत्र है करीब एक दर्जन जो ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो अपने फैक्ट्रियों से केमिकल का पानी निकालकर बाहर सड़क पर और गड्ढों में और नालों में छोड़ती हैं, इस पर प्रदूषण विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है। आज इसी के चलते मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने करीब दो घंटे तक इस टेक्सटाइल फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और विभिन्न प्रकार के जो दस्तावेज है उनकी जाँच की। प्रदेश भर में आज PHC CHC के डॉक्टरों ने हड़ताल की, बहादुरगढ़ में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। दो घंटे की पैनडाउन स्ट्राइक के दौरान जहां डॉक्टर बैठकर बातें करते रहे और अपनी समस्याओं पर मंथन किया, वहीं मरीज बाहर बेहाल होते रहे। डॉक्टर्स की तीन मांगे हैं। पहली तो ये मांग है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो कैडर है उसमें सुधार किया जाए और PG की सीटों में 40% कोटा बहाल किया जाए। SMO की सीधी भर्ती होने से भी डॉक्टर्स नाराज हैं। में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने से आम लोगों ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं अब प्रदेश सरकार के खिलाफ पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अपना मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने आने वाली 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रखने का आह्वान किया है। बता दें कि 15 नवंबर सुबह 6 बजे से लेकर
16 नवंबर सुबह 6 बजे तक हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि जो प्रदेश सरकार ने अचानक से पेट्रोल व डीजल के दाम कम किए हैं उनसे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। वहीं उनका आरोप है कि हरियाणा में जो कच्चा तेल है वह सस्ते रेटों पर दुकानों पर बिक रहा है, जिसके कारण भी उन्हें नुकसान हो रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार पेट्रोल पंप एसोसिएशन से बातचीत करके इस समस्या को हल निकालती है या आने वाली 15 नवंबर को लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हरतिया में ट्रैक्टर का टायर फटा, ट्रैक्टर ट्राली जो कि इंटरलॉक टाइलों से भरी थी 20 फुट नीचे खाई में गिरी, जिससे 3 लोग ट्रैक्टर के नीचे दब गए। रतिया टोहाना मार्ग चिमो गांव के पास की घटना है, जहां पर ग्रामीण इकट्ठे हुए ट्रैक्टर तोड़कर तीनों घायलों को रतिया के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अग्रोवा रेफर किया गया। फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।